सिरमौर जिला में कोविड-19 वैक्सीनेशन का कार्य जोरों पर है। 3 व 4 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग द्वारा 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों से विशेष तौर पर वैक्सीन लगवाने की अपील की गई है। विभाग द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक बिना रजिस्ट्रेशन के इन 2 दिनों में लोग आधार कार्ड साथ लेकर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। पहले दिन बड़ी संख्या में लोगों ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर वैक्सीन लगवाई। वैक्सीनेशन करवाने पहुंचे लोगों ने बताया कि वैक्सीन लगवाने के बाद वह खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आना चाहिए। लोगों ने इस बात पर भी खुशी जताई कि सरकार द्वारा मुफ्त में कोविड-19 वैक्सीन लगवाई जा रही है ताकि कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाया जा सके। यहाँ अपना सेकेंड डोज लगवाने आया हूँ कोविड-19 का, तो यहाँ मेरे को इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और एकदम से ही वो डोज कंप्लीट कर दिए। और ये है कि यहाँ आने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पहले डोज भी लगवाया था तो मेरे को ऐसा कोई सिम्टम ऐसा नहीं था क्योंकि बुखार या कुछ ऐसी चीज़ आई हो, इसमें कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि सब लोग ये वैक्सीन लगाएँ। हमारे भी जितने कोलीग्स और भी दोस्त और फैमिलीज हैं जिन्होंने भी लगाए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मेरा पहला इंजेक्शन लगाया आज, मैं ठीक हूँ, मेरे को अपने आप में महसूस ठीक हो रहा है भाई, ठीक हूँ मैं। वैक्सीनेशन सेंटर में तैनात डॉक्टर सुनीता ने बताया कि सभी लोगों को वैक्सीनेशन के लिए आगे आना चाहिए, वैक्सीनेशन पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि लोगों को किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वैक्सीनेशन भी हो रही है, 45 प्लस जिनकी भी एज है वो आइए और वैक्सीनेशन कराइए, क्योंकि अब 45 प्लस सबको ही वैक्सीनेशन हो रही है। आज सुबह से अभी तक 24 की वैक्सीनेशन हो चुकी है, तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आइए आप और वैक्सीनेशन कराइए, आपके फ़ायदे के लिए ही है।